पोहरी अंबेडकर भवन पर एक समुदाय द्वारा डॉक्टर बी आर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी, जिसे लेकर प्रशासन ने आपत्ति दर्ज कराई और मौके पर पहुंच समुदाय से उक्त मूर्ति को स्थापित करने की परमिशन मांगी। हालांकि समुदाय के लोग परमिशन दिखाने में असमर्थ दिखे, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा मूर्ति को हटाकर नगर परिषद कार्यालय में रख दिया गया। बता दें कि सोमवार की देर रात अचानक पोहरी तहसीलदार प्रेमलता पाल, थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन सहित नगर परिषद कामला एकजुट होकर अंबेडकर भवन पर पहुंचा और तत्काल भवन में स्थापित मूर्ति को लेकर पड़ताल शुरू की, जिसे लेकर समुदाय के लोग पहुंचे, जिनसे तहसीलदार सहित थाना प्रभारी ने सहजता से बातचीत की और विधिवत परमिशन की बात कही, जिसके बाद देर रात प्रशासन ने मूर्ति को वहां से हटाकर नगर परिषद कार्यालय रख दिया। आज सुबह होते ही समुदाय के लोग एकजुट हुए और विरोध प्रकट किया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये मामला प्रशासन की गुंडागर्दी है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये मंगल भवन बना हुआ है, इसकी चारों तरफ से बाउंड्री है। बाउंड्री और मंगल भवन सरकारी पैसे से पूर्व विधायकों की निधि से बने हुए हैं और ये जगह पूर्व से डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के नाम से चिन्हित है। यहाँ पर गांव के लोगों ने, ये पोहरी के लोगों ने पैसा कलेक्ट करके अम्बेडकर बाबा साहब की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी, जैसा कि मुझे ग्रामवासियों लोगों ने बताया है 26 नवम्बर को। अब ये लगभग 3 महीने यहाँ हो गए, लेकिन रात में आज यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रशासन है, तहसीलदार मैडम, उनके द्वारा पुलिस प्रशासन का बल प्रयोग करके मूर्ति को यहाँ से हटा दिया गया है। आप कह रहे हैं कि परमिशन नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के अंदर जितने भी सरकारी इमारतें हैं वहाँ पर जितने भी मंदिर बने हैं वो किस परमिशन से बने हैं? जबकि ये जगह तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क के नाम से पहले से चिन्हित है, तो यहाँ परमिशन किस बात की? यदि कोई आयोजन होता, किसी नई जगह पर मूर्ति लगाई जाती, सरकारी जगह में लगाई जाती, किसी व्यक्ति की जगह में लगाई जाती, तब विवाद होता है। यहाँ कोई शिकायत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, पर मूर्ति हटाने का क्या कारण? इसका मतलब ये है कि ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है, ये मनुवादी सरकार है, ये सवर्णों की सरकार है, ये नहीं चाहती कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उनका सम्मान हो, उनका कीर्ति हो। उनका अपमान करने के लिए, उनका तिरस्कार करने के लिए, हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ से हटाया गया है। हम इसके कृत्य की घोर निंदा करते हैं और आज हम कलेक्टर महोदय से मिलेंगे और यदि बात नहीं बनेगी तो बड़ा आंदोलन पौरी में भी करेंगे, सुप्रीम में करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार से ईंट सीट बजा देंगे। आप कैसे क्या परमिशन लेंगे? अब हम कलेक्टर साहब के ज्ञापन देंगे कि हमारी मूर्ति वहां रखी जाए, नहीं रखी जाएगी तो हम पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे और हमारे साथ सभी समाज है, हमारे साथ पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, सातों जात है हमारे साथ में है। ये क्या है कि अम्बेडकर पार्क में और ये अम्बेडकर भवन की जगह है, ये उनका निवास है, जहाँ बोले शासन द्वारा बोले आवास बनाए जाते हैं तो आवास में वो व्यक्ति को निवास दिया जाता है। इसी प्रकार बाबा साहब का निवास है तो अम्बेडकर भवन है, जो अम्बेडकर भवन बना है तो हम कलेक्टर साहब से और सभी मंत्रीगणों से, सभी हमारे राष्ट्रपति तक हम आवेदन देंगे कि यहाँ हमारी मूर्ति रखी जाए और हमारी मूर्ति को जबरदस्त उठा के ले गई है मैडम, जो तहसीलदार मैडम, इनने हमें धमकी भी दी है कि बोले आपको जेल में डाल देंगे, आपको इस प्रकार की धमकी दे करके बोले आपने सरकारी जगह पर रखी। हमने कि मैडम सरकारी जगह पर मूर्ति नहीं है, ये तो बोले अम्बेडकर भवन बना है, ये सरकार ने ही बना दिया अम्बेडकर भवन, सरकार ने ही बाउंड्री कर दी, हम बोले किसी ने वैसी जगह पर रखते, ये तो अम्बेडकर के भवन और बाउंड्री ये आपने अंकित नहीं की तो हमारा क्या गलती है इसमें? तहसीलदार साहब ने, मैडम साहब ने ये अंकित नहीं की सर अम्बेडकर पार्क से तो हमारे क्या गलती है? ये विधायक के फंड से अम्बेडकर भवन बना है, ये विधायक के फंड से बाउंड्री बनी है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग से जो डीओ द्वारा ये बनाई गई अम्बेडकर भवन, इसी के माध्यम से ये मूर्ति रखी गई है। यहाँ किसी बोले अदर कास्ट का कोई विरोध नहीं कर रहा है, फिर बोले ये क्या क्यों विरोध हो रहा है? और जी मैडम को ही कुछ दुश्मनी क्या है कि बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ से हटा गए, ले गई रात के तीन बजे हमारा थैला भी बैग भी चेक किया पुलिस ने, हैं टीआई मैडम नहीं थी, टीआई मैडम यहाँ नहीं थी और अदर पुलिस को लेके आई, पुलिस ने कही हम बाहर के पुलिस हैं, यहाँ की पुलिस नहीं है, लेकिन मैडम साथ खड़ी थी, मैडम गेट के खड़े होकर के और ये जेब भी बात पंचायत का नगर पालिका CMO भी आया और CMO के द्वारा हेडरा आया है, हेडरा से तीन रात के 3 बजे प्रतिमा उठाई है और हमको अम्बेडकर भवन में गेट शटर लगा करके बंद कर लिया और बंद करने के बाद में और बोले हमें बाहर नहीं निकलने, मोबाइल ले लिए थे हमारे
और ये हमने कहा था सर, बोले हम पे क्या है, बोले हमका गमार आदमी क्या, बोले बदमाश है थे, हम पे हथियार है, तो बोले हमें चेक कर रहे हैं, हमारा बैग भी चेक किया, हमारे सब कपड़े चेक किए, और हम ने कहा कि हमारे सुसवत थाने में, हमारे गुगरीपुरा की जन्मभूमि है, सुसवत थाने से रिकॉर्ड देख लो साहब, हमारे कहीं भी एक भी किसी से लड़ाई झगड़े की रिकॉर्ड भी हो तो सुसवत थाना हमारा लगता है जन्म से, लेकिन कोई भी हमारे रिकॉर्ड जहाँ